गाइस, मैं, मेरी बड़ी ननद और मेरी सासू माँ, हम तीनों मिलके मेरे जो तीसरे नंबर वाली ननद है उसके यहाँ जा रहे हैं। बस किशनगंज में ही रहती है मेरी ननद, मेरे घर के पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है। हम तीनों जा रहे हैं उन्हीं के घर। मेरी सासू माँ मेरे घर आई हुई है, मेरी ननद भी आई हुई है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं ननद के घर मिलने, और उनके घर इन्वाइट है। थैंक यू। चलिए, जूता पहन लीजिए। हम लोग निकल रहे हैं नाच के घर, ननद के घर जा रहे हैं। अल्लाह, अपने से जा सकेगी? चलो पकड़ लो, पकड़ लो, रिक्स टोटो लेके आ गई। ए, देखो क्या कर रहा है, दोनों दोनों क्या कर रहा है। देखिए गाइस, हम लोग का टोटो आ गया, अब हम लोग जा रहे हैं ननद के घर। बैठ गए वहाँ पे, दुकान में रुकिएगा, ये इसका मिठाई का दुकान में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुकान में, हाँ यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे कुछ सामान लेना है। क्या लेना है आपको? एक भुजिया का पैकेट देना, अच्छा वाला, बढ़िया वाला दीजिए। ये चारों पैकेट पैक कर दीजिए, आपका हो गया, जाइए बैठिए। आप लोग बैठ गए हैं ना? चलिए मैं भी बैठ जाती हूँ। आ गए, इधर से, इधर से, बाएं 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 बाएं, अंदर घुसा दो। हाँ इधर, हाँ ये पे बुरी आदमी चल नहीं पाएगा ना वहाँ पे, हाँ गली में, गली में। आगे वाला जहाँ बाइक है वहीं पे, बस वहीं पे, यहीं पे आ गए। उतारिए, यहाँ है। चलो भाई, गेट खुल गया। क्या रे, क्या कर रही थी इतना देर से, गेट नहीं खोल रही थी? पकड़ो ना नानी को, पकड़ो ना। गाइस, ये जो ग्रीन सूट पहन के आई है, यही मेरी ननद है, इसी के घर हम सब आए हैं। अभी मैं और मेरी सासू माँ, मेरी ननद ही आए हैं, बाद में मेरी बेटी और भी एक छोटी ननद है, वो भी आएगी, वो लोग बाद में आएगी। हेलो माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका रौनक की किचन एंड ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज मेरी ननद के घर आई हूँ, मेरी सासू माँ मेरी ननद के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ अपनी बेटी के घर पहली बार आ रही है, भी है अभी, वो कहीं जाना आना करती नहीं है, तो मेरे घर आई थी, तो मेरे घर के पास ही मेरी ननद का घर है, तो मेरे घर आने से अपनी बेटी के घर कैसे नहीं आएगी, इसीलिए वो अपनी बेटी के घर भी आई और पहली बार आई गाइस। और मैं और मेरी बड़ी ननद जिनको लेके आए हैं, उसी का ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आप सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। देखिए, मेरी ननद का घर तो मैं फिर एक बार आई थी मेरे दामाद बेटी के साथ, तो उस बार भी मैं आपको ब्लॉग शेयर की हूँ। आप लोग देख, अगर आप लोग कोई नहीं देखे हैं तो पिछला ब्लॉग में जाइए मेरा, तो वहाँ पर होगा, मेरी ननद के घर आई थी, उसका भी ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर की हूँ। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। देखिए कि हम सब क्या कर रहे हैं आके ननद के घर, क्या क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही सब मैं आप सबसे शेयर करूंगी। आप सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। गाइस, मेरी ननद यहाँ पे घर बनाई है अपना, और न्यू घर है इसका, और सब कुछ न्यू बना के सेट किया है। ये जो डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, ये भी न्यू बनाई है, और पूरा इसका जो मकान है अभी बनाई है वो, और घर पे शिफ्ट हुई है, ज़्यादा रहती नहीं है, जहाँ
मेरे नंदोई का जॉब है, वहीं पे ज़्यादा वो लोग रहते हैं, इसीलिए कभी कभी आते हैं तो मैं भी आ जाती हूँ मिलने के लिए। ये भी मेरे घर आ जाती है मुझसे मिलने के लिए। हम सब आना जाना करते रहते हैं इसी तरह। तो गाइस देखिए इसी ननद के घर का ब्लॉग। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी दादी को दो ना। हम लोग और क्या खबर रमणी, ठीक ठाक? ठीक खबर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छा से? चल रहा है। एग्जाम हो गया? एग्जाम हो गया। अच्छा, इधर इसकी दादी सो गई। ये खिड़की लगा देते हैं, हवा आ रहा है। हाँ, तुम्हारी नानी को, हाँ तुम्हारी नानी को ठंडा लग सकता है। आज पहली बार बोलना? हाँ, एक बार नीचे नीचे नीचे। इधर देखिए गाइस, सब कोई काम में लग गया है और एक छीला जा रहा है। देखिए हम लोग के लिए एक उबाली है मेरी ननद, और मेरी बड़ी ननद भी आके काम में लग गई है। तो सब कोई मिलके काम कर रही है और हम सब मिलके अभी नाश्ता करेंगे। कह नहीं पाएगी सब कुछ। हम लोग के लिए नाश्ता का तैयारी चल रहा है। देखिए गाइस, ये न्यू डाइनिंग टेबल बनाई है, बहुत ही खूबसूरत बनाई है, अच्छा लग रहा है। हम लोग यहीं पे लंच करेंगे। ये सोफा है, ये पूरा किचन है। ये सब एक बार मैं दिखा चुकी हूँ गाइस, एक बार फिर आई थी मैं ननद के घर तो दिखाई हूँ आप सबको। आइए बाजी नाश्ता लेके। क्या है ये? खीर है, हम सब के लिए खीर बनाई है मेरी ननद। ओ लाइट जला दीजिए ना यहाँ का। आ जा रमनी, क्या ले आ रही है? एग लेके आ रही है, बॉयल एग है। पूरा सब कल अच्छा लगेगा। चलो जब मैं सब दे बाकी लोग तुम भी लो ली है, तुम लो इधर आ, इधर हम ले। हाँ ठीक, चल अम्मी उधर पानी इधर डालते हैं। दादी को उठा दे। पाई है नानी? थोड़ा सा खा लीजिए खीर, थोड़ा इसलिए आपको छोटा वाला सब पीछे हो रहे हैं। हाँ चलिए खीर का मजा। बहुत ही टेस्टी है, गुड़ वाला खीर है शायद ना। हाँ, गुड़ वाला नहीं मामी, वो काजू किशमिश को भून के ना, ना? काजू किशमिश डाला जाता है। हाँ, गुड़ पता नहीं। हाँ गुड़ दी शायद। तुम भी खा। हाँ खाते। चलिए आप लीजिए खीर। खीर खाना है आपको? अम्मी ऐ खीर खा चाहूँ। हाँ खुशी खुशी। आंटी आप भी बैठिए। हाँ मामी का नानी ना। अब खाते हैं हो गया? कितना लोग इतना हो गया? कल परवीन में जो ब्लॉग में वीडियो सारा पौला ले लिया, बेटा पूरा वीडियो काट दो। हां अब ठीक आ रहा है। उसे
देखिए गाइस, नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा लेट गई आराम करने के लिए। मेरी सासू माँ भी लेट गई है, हम दोनों सास बहू लेट के आराम कर रहे हैं और इधर दोनों नंदे बातें कर रही है और देसी भाषा में बातें कर रही है जो सुरजापुरी भाषा है। शायद किसी किसी को समझ में आता है और किसी को नहीं आता होगा गाइस, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये दोनों सुरजापुरी भाषा में बातें कर रही है। अब गाइस मेरी छोटी बेटी और रीमा भी आ गई। ये दोनों का इतना हंस रही हो, दोनों चलो क्या सुनोगी? दूर से काम चला लेंगे। ये रोजा आने के बाद मस्ती शुरू हो गया सबका। अब रमनी बाजी को ये पूछ रहे हैं कि अभी से जिम बंद है, तो जिम करने के बाद हम वापस मोटे हो गए, तो वही पूछ रहे हैं कि हम मोटे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और रमनी जी सुन ली नहीं, रमनी क्या वाला बता रही है, क्या हम झूठ का दिलासा सह लेंगे? सैलेड काटने का तरीका देखो कितना सुंदर से सजाई है। सैलेड है, इतना खूबसूरत से डेकोरेट किया है। कौन काटी है? रमनी। तो भरोसा नहीं होता, भरोसा ये इसको तो पहचानते ही है, बड़ी ननद है ये, छोटी ननद है नहीं, एक और आने वाली है सबसे छोटी वाली ना, और बीच वाली तो चली गई कल, अल्लाह का बहुत ही लागे वहां चले गए। आज मस्ती करते हैं ना सबको मिल जाए, इसलिए तो हम पॉज करके रखते हैं ना। ये है खुशबू बाजी, इनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। आपका कंटेंट क्या होता है खुशबू बाजी? मेरा होता है सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हैं और मतलब वैरायटी डालते हैं, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी वहाँ पे खुशबू बाजी के भी चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप वहाँ भी जाके ट्राई कर सकते हैं। मटर हमने खाते हैं, ये गरारा पहनी है, गरारा कैसा है देखिए, पूरा गरारा का इसका इसका पूरा लुक ले रहे हैं। ऊपर मेकअप ही नहीं, ऊपर कोई मेकअप ही नहीं है और नीचे गरारा पहनी है, मेकअप की जरूरत नहीं है। क्या है? मटन है, मटन ना चिकन है? मटन है गाइस, देख लीजिए ये चिकन है मटन है, हम लोग के लिए बनाई है। इधर ये सब्जी है, एकदम वो वाला लग रहा है, होटल वाला लग रहा है, पता नहीं मजा लगेगा खाने में। पूरी के साथ अच्छा लगेगा। अरे कल ही आए, कल इतना सब कुछ बना लिया। रीमा है, इसको देखिए, पीरा के ऊपर खाना बना दिया, खाना बना दिया, बनाया गया है मेरे लिए। अमिताभ बच्चन की वाइफ है, अमिताभ बच्चन का जो टाई बनाती है जया बच्चन, टूल के ऊपर चढ़ के खाना बनाती है, टूल है, टूल के ऊपर चढ़ के खाना बना रही है, बेचारी क्या उतना हाइट नहीं है। देखिए गाइस हम लोग का लंच बिल्कुल तैयार हो गया है, इतना खूबसूरत से डाइनिंग को सजाया गया है, और इसको बिगाड़ने में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। अच्छा, ये रमनी कर रही है, सब कुछ सीख ली है रमनी अच्छी तरह से। अब हम लोग खाने के लिए बैठेंगे, सबको जिस तरह बोल रही है। अरे कुछ भी हो करना ही पड़ेगा, लड़की को तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कुछ बन जाए। नहीं आप लीजिए ना।
रोजा ऊपर से डाल रही है, लगता है पूरा काम रोजा ही की है। मटन मतलब हम अपने से ले लेंगे, उसको बोल रहे थे फूफी को वो भी मटन नहीं खाती है। मटन हम नहीं खाते, आप खा लीजिए, हम खा लेंगे, बहुत ही टेस्टी। आप बैठिएगा नहीं, आप बैठिएगा नहीं क्या रमनी? आप ही बैठिए रमनी, आ जाओ। वो नीचे गए गेट खोलने के लिए, कोई आया है? देखिए गाइस, मेरी जो सबसे छोटी वाली ननद है अब वो आई, और उसके साथ मेरी एक भगनी आई, और उसके साथ उसका बेटा आया। कोई इधर भी देख लो भाई, हम लोग खाना बन रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग खा लिए। अब ये लोग खा रही है, ये लोग बाद में आई। ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है, और ये नेहा। नेहा को तो पहचानता है सब कोई शायद, और वो है अस्कान। क्या तुम्हारा तो देख रहे हैं, बहुत अच्छा। खाओ तुम लोग अच्छे से, बहुत दूर से आए हो ट्रेन में बैठ के। ट्रेन छूटा, बस में आई है। अच्छा ट्रेन छूट गया, बस से आई तुम लोग? स्टेशन गई थी क्या? नहीं नहीं, अच्छा नहीं पता था। हम लोग तो वो सुने के ट्रेन में बोले आएगी, ट्रेन आज बोले कैंसिल। अच्छा महाराज कोई खाई नहीं रहे। अच्छा इसीलिए हम लोग के घर पहले नजदीक पड़ता है। हाँ वहीं पर आ गए, वैसे भी वहीं पर जाते, खाने आए हैं क्या? देखने आए हैं हम लोग के घर खाना खाने से ना, जब हम लोग देखने आए तो जो रात रहेगी। तुम क्या काट रही हो? सुपारी? बुढ़िया सबके लिए सुपारी। इसको देखिए रमनी को प्लेट धोते हुए। रमनी सबके रमनी को क्या कर दियो? रमनी को प्लेट धोने के लिए दे दियो, और आराम काम सब तुम आराम कर, चले जा प्लेट धो। गाइस हम लोग खा लिए, खा के हम लोग सोफा में बैठे हुए हैं। बाजी को देखिए मोबाइल में व्यस्त है, सोफा में बैठ के आराम कर रहे हैं, और हम लोग खा रही है, खाने के लिए बैठी है। रमनी तुम बैठो ना, तुम खाली सर्व करते जाओ, और पीछे बैठोगी ना कुछ नहीं मिलेगा तुमको, इसलिए खाओ जल्दी से खाओ। और तुम क्या कर रही हो? फर्स्ट में खा के आराम कर रही हो, खाने के बाद एनर्जी खत्म। कई चीज से कार दे रहा हूँ, है ना? बोलिए पूजा, बोलते रहना चाहिए, मुंह बंद कर लेती है। और ये कैमरे की आंख के पीछे नेहा बाजी। अब ये दोनों जो बच्ची आई, ये जिस ननद के घर आए हैं उसकी एक बेटी है, और एक है मेरी बड़ी ननद की बेटी। ये दोनों दलकोला में रहती है, वहाँ से दोनों अभी आई। कोरोना साथ में लेके आ जाओ नहीं तो। तो गाइस ननद के घर लंच पार्टी हो गया, हम सब मिलके लंच कर लिए, और अभी मैं मेरी बेटी और रीमा हम दोनों पहले निकल गए
क्योंकि मेरे घर कुछ गेस्ट आ गए हैं और मेरे हबीब मुझे फ़ोन करके बोले कि गेस्ट आया है, तुम लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। तो हम तीनों जल्दी से निकल गए और बाद में मेरी ननद, बड़ी ननद, छोटी ननद, भगनी, भगीना सब कोई बाद में आएंगे, इसीलिए वो लोग को छोड़ दिए, वो लोग शाम में आएंगे। और हम तीनों निकल गए, अब हम लोग जा रहे हैं गाइस अपने घर। मुझे पूरा उम्मीद है गाइस कि आप सबको मेरे आज का ये ननद का घर का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइस, शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा करना गाइस, और मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस अभी मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर कोई न्यू ब्लॉग लेके फिर से आप लोग से मैं मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।